अगर मैं पॉइंट्स टेबल की तरफ बढ़ूं, क्योंकि अब यहां से पॉइंट्स टेबल का ना हाल क्लियर होता जा रहा है। कल एक और टीम पहुंच गई थी, है ना, जो लखनऊ सुपर जायंट से। आज अगर आरसीबी जीत जाती है, आरसीबी का मुकाबला अगर जीत जाती है अपना मुकाबला, तो फिर और रोमांचक हो जाएगा। फिर आप 21 तारीख को ना अपनी जो सीट बेल्ट है वो लगा के बैठिए, क्योंकि फिर आप बहुत उछलेंगे, आप चौके छक्के लगेंगे, आप कहेंगे वाह 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 क्या मजा आएगा। तो 21 तारीख को फिर मुकाबला बेहद शानदार हो जाएगा। गुजरात टाइटंस नंबर वन पर है, पहुंच चुकी है 20 पॉइंट इस टीम के साथ है। लखनऊ सुपर जायंट्स क्यों लिख गया है, कल ये भी जीत गए हैं और 18 पॉइंट के साथ है। राजस्थान रॉयल्स, यहां मामला फंस रहा है। राजस्थान रॉयल्स कह रहे होंगे कि अब हमें अपना आखिरी मुकाबला जीतना ही जीतना है, क्योंकि कल 2 रन से जीते हैं ना एलएसजी, तो रन रेट जो है, एनआरआर जो है, वो ज्यादा इसमें कुछ इफेक्ट नहीं आया है। प्लस 0.2 का यहां पर एनआरआर है लखनऊ सुपर जायंट्स का। आरआर का बात करूं, राजस्थान रॉयल्स की बात करूं, तो 16 पॉइंट्स हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट अभी एलएसजी से ज्यादा है, 0.304। यानी बस अगर उन्हें वो जीतना है, अगर वो जीत जाते हैं अपना आखिरी मुकाबला, तो यहां पर एलएसजी फिर आ जाएगी तीसरे नंबर पर और राजस्थान रॉयल्स पहुंच जाएंगे दूसरे नंबर पर। और मुझे उम्मीद है कि एलएसजी चाहेगी भैया मत जीतो यार, पहुंचने तो मैं नंबर 2 के साथ, और राजस्थान रॉयल्स चाहेगी कि ऐसे कैसे बाबू, ऐसे हम नहीं आपको पहुंचने देंगे। नंबर 4 पर डीसी है आपकी, 13 मैच हैं, 14 पॉइंट्स हैं, 0.255। अब नेट रन रेट पर जरा फोकस कीजिएगा, 0.255। आरसीबी उसके नीचे है -0.323। यार बहुत बड़ा मैं कहूंगा कि यहाँ पर फर्क है, और आरसीबी की टीम को बड़े मार्जिन के साथ जीतना ही होगा, क्योंकि डीसी के मुकाबला मुंबई के साथ है और मुंबई उस फॉर्म में हालांकि हमें नजर नहीं आ रही है कि डीसी, अगर देखिए जब किसी टीम को पता होता है ना कि हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा हमारे पहुंचने के, हमें ये जीतना ही जीतना है, वो जान लगा देती है। तो यार डीसी हारे उसके लेस चांसेस मुझे लग रहे हैं किस तरीके, उसके लिए आरसीबी को सब पुख्ता अपना बंदोबस्त करना चाहिए। जीतना तो जीतना है और थोड़ा सा यार अच्छे मार्जिन के साथ जीतना है। केकेआर का सफर कल खत्म हो गया हार के, और 14 मैचों में 12 के साथ उसने फिनिश किया है। पीबीकेएस 13 मैचों में 12 के साथ फिनिश की करने वाली है, ये भी टीम लगभग बाहर हो गई है, क्योंकि 14-14 पर टीम 16 पर टीम पहुंच ही जाएगी डीसी और आरसीबी में से। हालांकि मैथमेटिकली पंजाब चाह रही होगी कि आरसीबी आज हार जाए, डीसी आज हार जाए, और जो पंजाब का मैच है वो बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत जाए, तो यहाँ पर डीसी को पीछे कर दें। इसके बाद एसआरएच है, सफर उनका भी खत्म हो चुका है। हालांकि वही बात पंजाब के साथ एसआरएच की वही सोच होगी, लेकिन ऐसा होना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा। सीएसके और एमआई, ये टीम अब अपना जो बंदोबस्त है वो इन्होंने पैकिंग शुरू कर दी। एमआई ने तो हालांकि पहले ही बहुत पहले ही पैकिंग शुरू कर दी होगी, उन्हें तो बस बैग उठाने हैं और चलना है। सीएसके वाले भी तैयार होंगे, और उनका भी दो तीन मैच पहले ही उनका भी क्लियर हो चुका था, इसलिए सीएसके वाले भी तैयार हो चुके होंगे कि चलिए भैया लीग मैच खत्म हो गए, मैं से अब निकलते हैं अपने अपनी जगह, और अपने जो मैचेस हैं, अपने जो प्लेऑफ होंगे वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखेंगे।